राधे राधे दोस्तों, और आज हम बात करेंगे कि इतिहास में कहां गायब हो गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य के पृथ्वी से जाने का रहस्य आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनके कथित रूप से लापता होने के लगभग 500 साल के बाद भी हमारा इतिहास इस सच्चाई को लेकर बेजुबान और खामोश है। कोई भी इतिहासकार और वैष्णववाद के अनुयायी उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने के कारण पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्या श्री चैतन्य ने अपना शरीर छोड़ा था? उन्होंने अपनी अंतिम सांस कैसे ली? क्यों आज भी पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र का जीवन देने वाले चैतन्य महाप्रभु की कोई असली समाधि नहीं मिलती? जानेंगे पूरा सच आज की वीडियो में। दोस्तों, राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु के पुरी से 14 जून 1534 को अचानक गायब होने को लेकर कई कारण दिए जाते हैं जो उन्हें सिर्फ एक आम वैष्णव इंसान समझते हैं। ऐसे इतिहासकार जैसे डॉक्टर निहार रंजन रॉय आदि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को पुरी के कुछ पंडितों के द्वारा जानबूझकर मारा गया, क्योंकि उनके गायब होने के दिन पुरी मंदिर अज्ञात कारणों से काफी वक्त तक बंद रखा गया और चैतन्य महाप्रभु के जाते ही उनके अनुयायियों ने पुरी छोड़ दी और 50 सालों तक नाम संकीर्तन आंदोलन महाबंद रहा। हालांकि पुरी के पंडितों के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी, और कौन साक्षात श्री कृष्ण के अवतार को खत्म करने की कोशिश कर सकता है? पहले भी कितनी बार महाप्रभु के प्राणों पर संकट आया, पर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और राजा के कुछ सिपाही भी चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करते थे, तो आम से लोग उनका अंत कैसे कर सकते थे? इसलिए ये बात सिर्फ एक अनुमान ज्यादा लगती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि महाप्रभु को एक रथ यात्रा के वक्त पैर में चोट आ गई थी, जिससे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पर ये कारण भी साक्षात महाप्रभु के गायब होने को समझा नहीं पाता, क्योंकि उनके हजारों भक्त सदैव उनके साथ रहते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से गायब हुए, तो कुछ के अनुसार टोटा गोपीनाथ मंदिर से महाप्रभु पृथ्वी से चले गए। चैतन्य महाप्रभु पर लिखी गई 10 से भी ज्यादा बायोग्राफीज में से बेहद कम उनके धरती से जाने के बारे में बात करती है। असल में श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य थे, उनका धरती से जाना भी गुप्त और दिव्य था। श्री चैतन्य मंगल बताती है कि चैतन्य महाप्रभु विरह की भावना में डूबकर टोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर गए और भगवान जगन्नाथ के शिव विग्रह में समा गए। ना सिर्फ चैतन्य महाप्रभु बल्कि उनके अन्य 4 सहयोगी भगवान नित्यानंद, भगवान अद्वैत, गदाधर और श्रीवास आदि भी अपने आराध्य देव के साथ ही विलीन हो गए थे। और इस दुनिया में उन्होंने अपने दिव्य शरीर तक को नहीं छोड़ा था, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनमें से किसी की भी कोई समाधि नहीं है, जबकि इन सभी को लाखों वैष्णवों के द्वारा आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है और तब भी पूजा जाता था। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।